नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिला अंतर्गत विकास खंड वारा सिवनी में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में कोटवारों से छलावा कर रही मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध कचहरी हॉल में कोटवार सम्मेलन का आयोजन किया गया। कोटवारों के मानदेय में वृद्धि, नियमितीकरण, ड्रेस भत्ता आदि मुद्दे रहे। ओबीसी महासभा अध्यक्ष बालाघाट से सौरभ लोधी ने शासन का ध्यान केंद्रित करते हुए कोटवारों के हित में कहा कि इन्हें 4,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जिससे इनका भरण पोषण नहीं हो पाता है। महंगाई को देखते हुए ये मानदेय भीख जैसा भी प्रतीत होता है। मानदेय में वृद्धि की जाए, यदि शासन अनदेखी करेगा तो ओबीसी महासंघ कोटवार संघ मिलकर मध्य प्रदेश सरकार का विरोध प्रदर्शन करने में पीछे नहीं हटेंगे। कोटवारों को हर संभव मदद करने की आशा जताई। आगामी समय में कोटवार विरोधी सरकार अभियान चलाया जाएगा ताकि कोटवार बहनें बंधुओं से सरकार छलावा न कर सके। सम्मेलन में ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय कोर समिति सदस्य महेंद्र सिंह, राकेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी भगत पटवारी संघ मध्य प्रदेश संतोष परिहार, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा बालाघाट, कोटवार संघ से हितेश्वर डोंगरे अध्यक्ष कोटवार संघ मध्य प्रदेश, प्रकाश वास्तिक तहसील अध्यक्ष वारा सिवनी, राहुल मेश्राम उपाध्यक्ष, विनोद नीलकमल, मिथुन भीवराव बागड़े, कैलाश पटेल, नारायण नवल किशोर, लक्ष्मीकांत, महेंद्र विजय गजबीय, कुंजलता डोंगरे, रीता रावतकर, शिखा मेश्राम, श्यामाबाई, पुष्पलता गजबीय, रेखा गोंडाने, ललिता नोनारे, अनिता बगड़े, श्वेता मनोरमा, नरेश डोंगरे, कल्पना मीरा बाई, चित्ररेखा सुनीता वासनिक आदि बहनें एवं बंधु उपस्थित रहे। एकत्रित हुए ये बहुत आक्रोशित थे। आक्रोशित होने का कारण है कि विगत लंबे वर्षों से पूर्व में इनको 2,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता था, उसके पश्चात 2,000 रुपये और बढ़ाया गया, कुल मिला के 4,000 रुपये में आज कोटवार साथी हो या हमारी बहनें हो या माता हो, उनके परिवार का पालन पोषण करने में इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विगत कई वर्षों से शासन प्रशासन बालाघाट जिले से सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, विधायक, मुख्यमंत्री, सत्ता पक्ष, विपक्ष सभी को इन्होंने ज्ञापन देने का काम किया गया है, लेकिन किसी भी सरकार ने इनकी कभी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। अब सिर्फ बालाघाट जिले का ही कोटवार साथी नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश का साथी उग्र रूप से आंदोलन करने को विवश हो रहा है, और जिसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश की ओबीसी महासभा इन कोटवार साथियों के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलेगी। और अब धरना प्रदर्शन नहीं होगा, सड़कें जाम होंगी, चक्का जाम होगा, कलेक्टर कार्यालय का घिराव किया जाएगा, बालाघाट जिले सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों का घिराव करने का काम कोटवार साथियों के साथ में ओबीसी महासभा करेगी। हाँ सर, बोलिए आपका। मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। सर, यहाँ पर जो सम्मेलन रखा गया, किस संबंध का है? ये हमारे जो गांव में कोटवार होते हैं और आजादी से लगातार जो लगातार इस देश को एक नए भारत बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और उनके साथ सरकार जो दोहरा रवैया अपना रही है, आज आजादी के 75 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन आज उनकी जो उनको जो तनख्वाह दी जा रही है उनको सिर्फ 4,000 रुपये दी जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे उनका साथ देने आए हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो उनको कलेक्टेड रेट तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। और इस सरकार को सोचना चाहिए था बहुत पहले। आज ये आंदोलित हैं, सभी खड़े हुए हैं और हम ओबीसी महासभा के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन इनके लिए करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, नहीं तो जल्द से जल्द सरकार इनका जो कलेक्टेड रेट है कम से कम वो दे और जो सुविधाएं गवर्नमेंट अधिकारियों को मिलती हैं वो भी इनको दी जाए, उसके संबंध में हम लोग यहाँ पे आए थे और बात चर्चा हमारी बैठक हुई है। जी, क्या इस संबंध में आज तक कोई ज्ञापन छुपा है किसी को? इस संबंध में ज्ञापन दिए गए हैं। देखिए क्या है, सरकार जो होती है वो प्रताड़ित करती है, ये प्रताड़ित लोग हैं और इन्होंने किए, लेकिन सरकार ने नहीं समझा। अब हम ये खड़े हो गए सड़कों पे, अब ये लड़ाई लड़ेंगे और भोपाल तक जाएंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को की जो कुर्सी है उसको हिलाने का काम करेंगे, क्योंकि यही लोग हैं जो चाहे तुम्हारा टीकाकरण हो, चाहे तुम्हारा पटवारी का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, सारे कामों जो होते हैं इनके माध्यम से किए जा रहे हैं और ये न्यू है इस भारतवर्ष की जो ब्यूरोक्रेसी जो होती है। तो इतने में कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। सर आपका परिचय? मैं सौरभ लोधी, ओबीसी महासभा जिला। देखिए जो आज